आज हम बात करेंगे यूरेनस प्लेनेट की और आप देख रहे हैं स्पेस स्टोरीज। यूरेनस ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 को जर्मन खगोलशास्त्री विलियम हर्शल द्वारा की गई। अपनी खुद की दूरबीन से खगोलीय पिंडों का मुआयना करते हुए उन्होंने यूरेनस की खोज की थी। इस प्रकार यूरेनस दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह बना। हर्शल ने यूरेनस के दो उपग्रहों टाइटेनिया और ओबेरॉन की भी खोज की। अरुण ग्रह के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस भी कहा जाता है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है, जिस वजह से इसे गैस दानव भी कहा जाता है। सौरमंडल में यह पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। आज हम आपको अरुण ग्रह के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यूरेनस का भूमध्य रेखीय त्रिज्या 25,559 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या 24,973 किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान 86 स्टेप्टेलियन, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। सबसे कम द्रव्यमान के ग्रहों में शनि ग्रह के बाद यूरेनस का स्थान आता है। किसी खगोलीय पिंड द्वारा अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने की अवधि घूर्णन काल कहलाती है। यूरेनस अपनी दूरी पर एक चक्कर 17 घंटे 14 मिनट और 24 सेकंड में लगाता है। इसलिए यूरेनस का घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट और 24 सेकंड है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलती रहती है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुँच जाती है। यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। यूरेनस ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -97 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वही यूरेनस के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा है। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। सूर्य के अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य के की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुँचने में 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। यूरेनस ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा अरुण ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की बारिश होती है। यदि आप यूरेनस ग्रह पर उतरेंगे तो आपको सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपरी वायुमंडल हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से बना है, ऐसा मॉलिक्यूल जो सड़े हुए की दुर्गंध का कारण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए स्पेस स्टोरीज़।